अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमजद सदीक बायोलॉजी। आज हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी का चैप्टर क्रोमोसोम और डीएनए का जो नेक्स्ट लेक्चर है वो डिस्कस करेंगे, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द जीन। तो इसको मैं थोड़ा सा जल्दी करवाता हूँ, फिर बाद में डिटेल जो जीन का है उसकी तरफ फिर बाद में आते हैं, क्योंकि ये मैंने बार बार डिस्कस किया है जीन के बारे में। हम जीन को डिफाइन करते हैं कि दैट इज द शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए in which the sequence of nucleotide determines the sequence of amino acid for a polypeptide is called gene। मतलब जीन क्या होता है कि ये जो आपके पास डीएनए मॉलिक्यूल है उसमें एक हाफ सेगमेंट होता है, शॉर्ट सेगमेंट होता है, इसको हम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस कहते हैं। और ये जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है बेसिकली ये ट्रांसक्रिप्शन की मदद से मैसेंजर आरएनए बनाता है, और जो मैसेंजर आरएनए हैं ये फिर इसको राइबोसोम पर रीड करते हैं, ये जो राइबोसोम है राइबोसोम, और ये फिर इसी राइबोसोम ही के पॉइंट पर इधर फिर इस तरीके से जो इस पर ये कोडान है सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो है या ट्रिपलेट ऑफ नाइट्रोजिनस बेसिस जो है इसको हम कहते हैं कोडांस, दिस आर द कोडांस। फॉर एग्जाम्पल ये कोडान है, ये कोडान है, इसी मैसेंजर आरएनए के कोडान के मुताबिक ट्रांसफर आरएनए क्या करता है, ट्रांसफर आरएनए इस पर भी ट्रिपलेट ऑफ नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं जिसको एंटी कोडान कहते हैं। मींस मैसेंजर आरएनए पर जो ट्रिपलेट ऑफ नाइट्रोजिनस बेसिस है इसको कोडान कहा जाता है, और जो ट्रांसफर आरएनए पर ट्रिपलेट ऑफ नाइट्रोजिनस बेसिस है इसको एंटी कोडान कहा जाता है, और जो डीएनए पर सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड होते हैं इसको जेनेटिक कोड कहा जाता है। अब ये जो मैसेंजर आरएनए जो कि राइबोसोम पर अपने आप को अरेंज करते हैं बेसिकली, ये बेसिकली इस तरीके से अपने आप को अरेंज करते हैं, ये फर्स्ट मैसेंजर आरएनए है, जब इसमें ट्रांसक्रिप्शन हो जाती है तो यही मैसेंजर आरएनए पर ये ट्रिपलेट ऑफ नाइट्रोजिनस बेसिस है कोडान। अब इसी कोड के मुताबिक ट्रांसफर आरएनए क्या करता है, वो एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को साइटोप्लाज्म से पिक करता है और इधर इसके मुताबिक इधर अरेंज करता है, इसको इधर अरेंज करता है, फिर इसको इधर, फिर इसको इधर, मतलब इस तरीके से 1 2 3 4 एंड सो ऑन बहुत सारे अमीनो एसिड जो होते हैं वो अरेंज हो जाते हैं, और ये इसी अमीनो एसिड के दरमियान में पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है, इस तरह पॉलीपेप्टाइड चेन जो होता है वो बन जाता है। ये पॉलीपेप्टाइड चेन बेसिकली कौन बनाता है, अमीनो एसिड बनाता है, और अमीनो एसिड पर से फिर बाद में क्या बन जाता है, प्रोटीन बन जाता है। जो प्रोटीन बनना होता है सेगमेंट ऑफ डीएनए ने वो प्रोटीन जो होता है वो बन जाता है। अब इसके बारे में तो मैंने आपको पहले ही बताया है, ये मैंने आपको स्टार्ट भी इसलिए बता दिया कि अभी जो मैं जीन को स्टार्ट कर रहा हूँ आपको पता चले कि बेसिकली जो मैसेंजर आरएनए बनता है ये बाद में क्या बनाता है, ये प्रोटीन बनाता है। इसके अलावा आपको मैंने यही बताया था कि अल्टरनेट फॉर्म ऑफ द जीन इज कॉल्ड एलील, जीन का जो अल्टरनेट फॉर्म है उसको हम एलील कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, ठीक है, अगर होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं एक फ्रॉम फादर साइड पैटर्नल क्रोमोसोम, एक फ्रॉम मदर साइड मैटर्नल क्रोमोसोम, उस पर जो होते हैं देखिए ये सेम लोकस पर, सेम लोसाई पर, सेम लोकेशन लोकेशन पर ये पेयर ऑफ जीन्स मौजूद है, एक फादर साइड से एक मदर साइड से, ठीक है, इसको हम कहते हैं एलील। ये एक दूसरे के लिए क्या है, ये एलील है। हम एलील को डिफाइन करते हैं कि अल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन इज कॉल्ड एलील। अब ये क्या है बेसिकली, ये इसका अल्टरनेट फॉर्म ये है, इसका अल्टरनेट फॉर्म ये है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि ये जीन जो है ये हेयर कलर के लिए रिस्पांसिबल होता है। अब हेयर कलर के लिए तो रिस्पांसिबल है, बट हेयर कलर जो है ये एक ट्रेट है, करेक्टर है, बट ये कौन से कलर के लिए रिस्पांसिबल होता है, दिस जीन आर पेयर ऑफ एलील्स मे बी रिस्पांसिबल फॉर ब्राउन कलर, ब्लैक कलर और रेड कलर। तो ये क्या है, ये जो एलील क्या है ये वेरिएंट्स है, जीन बेसिकली क्या है वेरिएंट्स ऑफ एलील्स है, एलील के ये जीन के डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, मतलब है तो ये जीन या पेयर ऑफ एलील है, हेयर कलर के लिए भी है, लेकिन हेयर कलर ब्राउन भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, और हमने ये भी पढ़ा था कि बिकॉज ऑफ म्यूटेशन नए एलील के कम्बिनेशन जो होते हैं ये बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊँ कि ये आपके पास दो होमोलोगस क्रोमोसोम है, एक फादर साइड से एक मदर साइड से, ठीक है, इस पर ये सेम लोसाई पर इधर जीन मौजूद है, ठीक है, जीन मौजूद है। अब दोनों जो ये पेन है ये तो है आपके लिए राइटिंग के तौर पर आप इसको इस्तेमाल करते हैं,
इसका ट्रेड तो राइटिंग है, बट ये वाला पेन जो होता है ये रेड कलर करता है, और ये जो होता है ये ब्लैक कलर करता है, ब्लैक राइटिंग करता है। तो ये क्या है, ये एक ही जीन के वेरिएंट्स फॉर्म है, एक ही जीन के वेरिएंट फॉर्म है जिसको हम एलील कहते हैं, ठीक है। सो ये सब कुछ जो था ये बेसिकली ये स्ट्रक्चर ऑफ जीन का जो इंट्रोडक्शन था, क्योंकि हमने बेसिकली हमने क्या पढ़ना है, बेसिकली हमने पढ़ना है कि ये जो आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ जीन है इससे जो मैसेंजर आरएनए बनता है ये कैसे जो होता है आपके पास आगे प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। अब देखिए इधर मैंने डिटेल में पूरा जो है ये स्ट्रक्चर ऑफ जीन को मैंने डिस्कस किया है। फॉर एग्जांपल देखें, जीन जो था इसके दो पार्ट्स है, तो हम रेगुलेटरी रीजन कहते हैं, हम स्ट्रक्चरल रीजन कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल देखिए, मैंने एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल रेड में लिया है, ये इसका 5' है, 5' है, ये इसका 3' है, 3' इसका रीजन है। अब देखें इसका जो रेगुलेटरी रीजन है इसके दो पार्ट होते हैं, एक स्टार्ट में जिसको हम प्रोमोटर कहते हैं और एक एंड में जिसको हम टर्मिनेटर कहते हैं। और जो दूसरा पार्ट है इन दोनों पार्ट को रेगुलेटरी रीजन कहा जाता है, और जो बस स्ट्रक्चरल रीजन है ये प्रोमोटर और टर्मिनेटर, टर्मिनेटर जो रीजन है आपके पास इसके दरमियान वाला जो आपके पास रीजन है ये वाला, ये आपके पास क्या है, आपके पास स्ट्रक्चरल रीजन है, जिसको मैंने इधर दोबारा लिखा भी है, स्ट्रक्चरल रीजन है। अब रेगुलेटरी रीजन मींस प्रोमोटर और टर्मिनेटर का काम क्या है, और स्ट्रक्चरल रीजन ये जो दो टर्मिनेटर और प्रोमोटर के दरमियान में है, स्ट्रक्चरल रीजन का क्या काम है। अब देखें सबसे पहले प्रोमोटर रीजन, ये क्या करता है, कंट्रोल्स द बाइंडिंग आरएनए पॉलीमरेज ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। जब डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है इस दौरान इसी प्रोमोटर का काम क्या होता है कि ये इधर स्टार्ट से आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करने में क्या करता है, हेल्प कंट्रोल करता है कि कब जो है इधर आरएनए पॉलीमरेज को आपने क्या करना है, बाइंड करना है, और कब आपने बाइंड नहीं करना है, किस वक्त नहीं करना है। ये जो प्रोमोटर रीजन होते हैं बेसिकली यहाँ पर टाटा बॉक्स, इधर टाटा बॉक्स होते हैं जो सिग्नल बेसिकली प्रोमोटर सिग्नल देता है कि इसके बाद जीन शुरू होने वाला है, और जीन से फिर बाद में क्या होना है, फिर मैसेंजर आरएनए, और फिर बाद में आपके पास अमीनो एसिड सीक्वेंस, और आखिर में आपके पास प्रोटीन मीन पॉलीपेप्टाइड चेन बनता है। अब रेगुलेटरी रीजन का जो दूसरा रीजन है टर्मिनेटर, यहाँ पर जो होता है ये टर्मिनेटर रीजन है जो 3' रीजन पर मौजूद है, जहाँ पर स्टॉप कोडान होते हैं, यहाँ पर जो आपके पास जो जीन है वो इसका एंड है, मीन यहाँ पर किसी प्रोटीन ने किसी स्ट्रक्चर ने क्या करना है, यहाँ पर टर्मिनेट होना है, ख़त्म होना है। और हमने लिखा भी है कि टर्मिनेटर क्या करता है, कॉजेस आरएनए पॉलीमरेज टू स्टॉप द ट्रांसक्रिप्शन। जब हम प्रोसेस को स्टॉप करते हैं ट्रांसक्रिप्शन को, तो फिर वो कौन करता है, सिग्नल कौन देता है, टर्मिनेटर, और ये आरएनए पॉलीमरेज को ऑर्डर दे देता है यू शुड स्टॉप, कि आपने कोई प्रोटीन बनाना है जीन से कि वो कंप्लीट हो गया। अब जो दरमियान में स्ट्रक्चरल रीजन है इसका काम क्या है, ये जीन्स और जेनेटिक कोड्स पर मुश्तमिल होता है, कोडिंग रीजन होता है फॉर पर्टिकुलर पॉलीपेप्टाइड और फंक्शनल आरएनए। मतलब ये जो इसमें जो जीन्स पाए, जो जीन है आपके पास स्पेशली, ये किसी खास पॉलीपेप्टाइड चेन के लिए, जो इससे पहले मैंने आपको बता दिया, या एक फंक्शनल आरएनए आपके पास बनाता है, और फंक्शनल आरएनए बेसिकली क्या बनाता है, आगे आपके पास प्रोटीन बनाता है। अब फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन हो गया, इसी डीएनए से ये मैसेंजर आरएनए आपके पास बन गया है, ये यूकेरियोटिक जीन्स की, यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म की हम बात कर रहे हैं। अब यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, जब भी ट्रांसक्रिप्शन होता है डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है, तो फिर इसका जो प्राइम रीजन है यहाँ पर एक कैप एड हो जाता है, एक कैप एड हो जाता है। इसका मेन काम क्या होता है, ये प्रोटेक्ट फ्रॉम एंजाइम टू डिग्रेड, जो सेल के अंदर मुख्तलिफ किस्म के न्यूक्लियस होते हैं, एंडो न्यूक्लियस मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम होते हैं, उससे इसी मैसेंजर आरएनए को प्रोटेक्ट करना है। और ये कैप बेसिकली 7-methyl guanosine पर मुश्तमिल होते हैं, पर 7-methyl guanosine मीन guanosine का जो कार्बन नंबर 7 है, यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप अटैच होता है, जिस पर फिर एंजाइम जो है ये अटैक नहीं कर सकता, इसी मैसेंजर आरएनए को डिग्रेड नहीं कर सकता, तो ये कैप जो होता है ये इंपॉर्टेंट है स्टार्ट में। और एंड में क्या होता है, एंड में आपके पास 3' है,
और यहाँ पर पॉली ए टेल बहुत सारे एडिनिन एडिनिन इस तरीके से यहाँ पर अटैच हो जाते हैं, और ये फिर क्या करते हैं, ये इधर से क्या करते हैं, एंजाइम से इसी मैसेंजर आरएनए को, जिसको हम प्री मैसेंजर आरएनए कहते हैं, प्री मेच्योर मैसेंजर आरएनए कहते हैं, ये इस ये पॉली ए टेल जो होता है ये एंजाइम की डिग्रेडेशन से इसको बचाता है प्री मैसेंजर आरएनए को। अभी जो आपके पास प्री मैसेंजर आरएनए है यूकैरियोटिक जीन में स्पेशली, इसमें क्या होता है, इसमें आपके पास फॉर एग्जाम्पल देखिए आपके पास एंट्रॉन है, फॉर एग्जाम्पल एंट्रॉन एग्जॉन है, एंट्रॉन है, फिर आपके पास एग्जॉन है, फिर एंट्रॉन होते हैं, सो ऑन। तो आपके पास जो यूकैरियोटिक क्रोमोसोम होते हैं, यूकैरियोटिक जीन जो होते हैं, उसके एक एंड पर प्रोमोटर होता है, दूसरे एंड पर टर्मिनेटर होता है। इस तरह के ये प्रोमोटर है, ये टर्मिनेटर है, दरमियान में जो है आपके पास स्ट्रक्चरल रीजन है। अब इसमें क्या होते हैं, अल्टरनेट एग्जॉन और एंट्रॉन होते हैं। जो आपके पास एग्जॉन है ये कोडिंग रीजन है, फंक्शनल रीजन है, और जो एंट्रॉन है ये नॉन कोडिंग रीजन है, ये नॉन फंक्शनल रीजन है। मीन एग्जॉन आर इंटरप्टेड बाय द एंट्रॉन्स, एग्जॉन आर इंटरप्टेड बाय द एंट्रॉन्स, और एंट्रॉन कोई आगे कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करता। अब क्या हो जाती है इसकी, ये जो आपके पास प्री मैसेंजर आरएनए है ये फिर बाद में क्या हो जाता है, ये मैच्योर आरएनए में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें सेम एक एंड पर 5 प्राइम, दूसरे साइड पर 3 प्राइम जो है वहाँ पर पॉली ए टेल मौजूद होता है। बट बेसिकली इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि इसको हम पोस्ट मैसेंजर आरएनए भी कहते हैं। यहाँ पर जितने भी आपके पास एंट्रॉन थे, ये एंट्रॉन है, ये एंट्रॉन है, ये एंट्रॉन है, ये क्या हो जाती है, इसकी स्प्लाइसिंग हो जाती है, इसकी स्प्लाई आई मीन यहाँ पर एग्जॉन जॉइंट सीक्वेंस, एग्जॉन जो रेड में मैंने आपको शो किए हैं, ये रेड वाले पोर्शन आपस में जॉइन हो जाते हैं स्प्लाइसिंग के फिनोमेना। अब देखिए इधर मैंने लिखा भी है कि स्प्लाइसिंग, स्प्लाइसिंग कैसे होती है, जहाँ से एंट्रॉन निकलते हैं, ये रेड रेड में मैंने जो शो किए थे, क्या थे बेसिकली, ये आपके पास एग्जॉन थे, रेड वाले कहते हैं एग्जॉन थे, तो ये रेड एग्जॉन ही एग्जॉन है, ये क्या है, ये आपके पास एंट्रॉन है। तो स्प्लाइसिंग के दौरान क्या हो जाती है, स्प्लाइसियोसोम, स्प्लाइसियोसोम जो होती है स्पेशल टाइप्स ऑफ एंजाइम होते हैं, ग्रुप ऑफ एंजाइम होते हैं, जो इस तरीके से देखें, ये आपके पास एंट्रॉन है, इसको इस तरीके से बेंड किया हुआ है, और फिर इसको इधर से रिमूव कर देते हैं, ये रिमूव कर दिया, एंट्रॉन को इधर से रिमूव कर दिया, और आपके पास ये जो एग्जॉन होते हैं आपस में क्या हो जाती है, एग्जॉन आपके पास बाइंड हो जाते हैं। इस तरीके से आपके पास ये देखिए सारे एग्जॉन ही एग्जॉन है, एग्जॉन जॉइंट सीक्वेंसेस, इसको हम मैच्योर आरएनए या इसको हम फंक्शनल आरएनए कहते हैं। अब ये जो आपके पास आरएनए है यूकैरियोटिक जीन्स में, ये आगे क्या करेगा, जो पहले मैंने जो फेनोमेना पढ़ा, वो जो कैसे आपके पास प्रोटीन बनाते हैं, तो जैसे जो आपके पास राइबोसोम है वो इसी मैसेंजर आरएनए को रीड करते हैं, और आपके पास बहुत सारे क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। इस तरीके से फॉर एग्जाम्पल देखिए अमीनो एसिड्स हैं, पेप्टाइड बॉन्ड की मदद से जुड़ जाते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाता है, ये बेसिकली क्या होता है, आपके पास प्रोटीन जो होता है आपके पास बन जाता है। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें जो आपके पास प्रोकैरियोट्स हैं, प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, प्रोकैरियोट्स में भी फॉर एग्जांपल आपके पास अगर जो आरएनए आपके पास प्रोकैरियोट्स में होता है, इस तरीके से एक आरएनए होता है जिसमें एग्जॉन और एंट्रॉन का कंसेप्ट नहीं होता, बल्कि क्या होता है, अगर हम इसको इसका एक डीएनए ले लें, फॉर एग्जांपल इसका डीएनए है प्रोकैरियोट्स का, एक साइड पर प्रोमोटर है, दूसरी साइड पर टर्मिनेटर है, ठीक है, इसमें देखिए आपके पास न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, गवानिन थायमिन एडेनिन साइटोसिन इस तरीके से, अब इसमें देखिए जीन्स है, जीन 1 जीन 2 जीन 3 जीन 4, आर में क्या टर्मिनेटर है। अब ऐसा डीएनए जिसके एक साइड पर प्रोमोटर हो, दूसरे साइड पर टर्मिनेटर हो, दरमियान में बहुत सारे जीन्स हो, तो ये डीएनए किसका होगा, प्रोकैरियोट्स का होगा, इसमें कोई एंट्रॉन और एग्जॉन नहीं है, इसको हम कहते हैं ओपेरॉन। प्रोकैरियोट्स में डीएनए को क्या कहते हैं, ओपेरॉन। और यूकैरियोटिक जो जीन है और जो प्रोकैरियोटिक जीन है जो डीएनए है, इसमें फ़र्क क्या है, इसमें फ़र्क ये है कि आपके पास जो प्रोकैरियोट्स वाला ओपेरॉन है स्पेशली, इसमें एक साइड पर प्रोमोटर, फिर बहुत सारे जीन्स और फिर टर्मिनेटर, ये जीन फिर आगे हर एक जीन अपने लिए क्या अगर बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, तो बहुत सारे जीन्स के
एक साइड पर प्रोमोटर है, दूसरे साइड पर टर्मिनेटर है। और जो आपके पास यूकेरियोटिक जीन था, यूकेरियोटिक जीन में क्या था, उसमें आपके पास एक साइड पर प्रोमोटर था, दूसरे साइड पर क्या था, टर्मिनेटर था, दरमियान में क्या था, जीन था, एक ही जीन मौजूद था। इधर बहुत सारे जीन मौजूद है प्रोकैरियोट्स में, और यूकेरियोट्स में एक जीन और प्रोमोटर और इसके एंड पर क्या होते हैं, टर्मिनेटर होते हैं। ठीक है, तो ये था आपका आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया में शेयर करें। अगर फिर भी आपको कोई मुश्किल पेश आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।